Dear students, welcome to lecture number 3 of chapter 13, Current Electricity. इस lecture में हम दो topics पढ़ेंगे, एक 13.5 और दूसरा 13.6. 13.5 resistivity और इसकी temperature dependence के बारे में है, जबकि 13.6 color code for carbon resistances के बारे में है. Let's start with first topic, resistivity and its dependence on temperature. हम resistivity को define करेंगे, इसका symbol लिखेंगे और इसका SI unit लिखेंगे. Resistivity या specific resistance की definition को हम देखते हैं. It is the resistance offered by a meter cube of material. तो अगर हमारे पास एक meter cube material है, जो resistance वो offer करेगा, उसे हम resistivity कहते हैं. Resistivity के symbol को ग्रीक लेटर रो से डिनोट करते हैं और इसकी जो SI यूनिट है ओम मीटर है. ये ओम मीटर कैसे आती है, आगे हम इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से प्रूव करेंगे. अब हम रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे. इसके लिए हम एक कंडक्टिंग वायर कंसिडर करते हैं जिसकी लेंथ कैपिटल एल है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए है और एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि जो कंडक्टर रेजिस्टेंस ऑफर करेगा वो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ ऑफ द कंडक्टर के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन. तो जितनी ज़्यादा लेंथ इस कंडक्टर की ज़्यादा होगी उतनी रेजिस्टेंस ज़्यादा ऑफर होगी और जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए जितना लार्ज होगा उतनी रेजिस्टेंस स्मॉल होगी. इसको हम यूँ भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर लेंथ लार्ज होगी तो एक इलेक्ट्रॉन को कुलियंस ज़्यादा करनी होगी और उन कुलियंस की वजह से रेजिस्टेंस ज़्यादा ऑफर होगी, इसलिए लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है. और अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ए को अगर ज़्यादा कर दिया जाए, यानी इसकी विड्थ या साइज को बड़ा कर दिया जाए, तो जो एक एटम के साथ इलेक्ट्रॉन के कुलियन के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन ईजिली पास होंगे तो रेजिस्टेंस स्मॉल हो जाएगी. अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करें हमारे पास रेजिस्टेंस के लिए ये एक्सप्रेशन आएगा. इसमें हम प्रोपोर्शनलिटी को ब्रेक करें तो हम रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल ओवर ए लिख सकते हैं. यहाँ पर ये रो जो है हमारे पास एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसे हम रेजिस्टिविटी कहते हैं. और इसी क्वेश्चन को अगर सॉल्व किया जाए रो के लिए तो रो विल बी इक्वल टू आर ए ओवर एल. जैसा कि हमने रेजिस्टिविटी की यूनिट जो है वो ओम मीटर लिखी थी, यहाँ से हम वो वेरीफाई कर सकते हैं कि रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होगी वो ओम मीटर होगी. जैसा कि हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, हम इसको ओमेगा लिखते हैं. एरिया की यूनिट को हम मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, जबकि लेंथ की जो यूनिट होगी कैपिटल एल को हम मीटर में लिख सकते हैं. अगर इसको सॉल्व किया जाए तो हमारे पास जो यूनिट बनेगी वो ओम मीटर बन जाए. अब हम टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को डिफाइन करते हैं. इट इज द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन. इट इज डिनोटेड बाय अल्फा एंड मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन एज अल्फा इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट इनटू टी. यहाँ पे जो आर टी है दिस इज द रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी. R naught is the resistance at zero temperature या minimum temperature and T is the temperature. So अगर हमारे पास एक कंडक्टर है और किसी जीरो केल्विन पे अगर या जीरो डिग्री पे इसके पास रेजिस्टेंस जो है वो R naught है, तो इस अगर हमारे पास टेम्परेचर हाई कर दीजिए किसी हाई टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो इसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो R टी होगी जो कि ज़्यादा होगी और हम आर टी में से आर नॉट को सब्ट्रैक्ट करके आर नॉट से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये अल्फा जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आ जाएगा. जैसा कि हमने टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को डिफाइन किया है, उसी तरीके से हम टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं. जैसा कि हमने देखा है कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं. So temperature coefficient of resistivity is defined as the fractional change in resistivity per Kelvin and it is denoted with alpha
alpha is equal to rho t minus rho naught divided by rho naught into t, where rho t is the resistivity at temperature T, rho naught is the resistivity at temperature 0 degree centigrade, and T is the temperature. All metals, for example, gold, silver, copper, they have positive temperature coefficient of resistivity, whereas all semiconductors, for example, silicon and germanium, they have negative temperature coefficient, or temperature coefficient different. इसलिए है कि हर मटेरियल की, हर मेटल की, सेमीकंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी एक दूसरे से मुख्तलिफ है, और कुछ मटेरियल की रेजिस्टिविटी यहाँ पे टेबल 13.1 में गिवन है। अगर किसी कंडक्टिंग वायर का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए तो उसकी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इंक्रीज करती है। तो वाई द रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इसके लिए हम जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो रेजिस्टेंस ऑफर होती है वो इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं तो उनकी एटम्स के साथ कुलियंस की वजह से रेजिस्टेंस ऑफर होती है। जब हम किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर राइज करते हैं तो उसके जो लेटेस्ट एटम होते हैं वो उनका जो वाइब्रेटिंग एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज कर जाता है, और इस वाइब्रेटिंग एम्पलीट्यूड के इंक्रीज करने से जो प्रॉबिलिटी ऑफ कुलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इंक्रीज करेगी, और जब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ कुलियन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगी तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज कर जाएगी। यहाँ पे एक ग्राफ टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी के दरमियान दिखाया गया है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हैं रेजिस्टिविटी इंक्रीज करती है। इनिशियली ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, लेकिन बहुत हाई टेम्परेचर के ऊपर जाके रेजिस्टिविटी ज़्यादा इंक्रीज करती है जबकि हम टेम्परेचर को कम इंक्रीज करते हैं। दिस इज द रीज़न डैट कुलियंस, प्रॉबिलिटी ऑफ कुलियंस बढ़ जाती है और रेजिस्टिविटी बहुत तेज़ी से इंक्रीज करती है। नाउ आवर सेकंड टॉपिक इज कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टेंसेस। इसमें हमें दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक कार्बन रेजिस्टर ये क्या होते हैं, दूसरा कलर कोड क्या चीज़। कार्बन रेजिस्टर्स एक्चुअली दे कंसिस्ट ऑफ हाई ग्रेड सिरेमिक रॉड, और इनके अंदर एक थिन रेजिस्टिव फिल्म जो है कार्बन की डिपॉजिट की होती है। किसी भी रेजिस्टेंस की न्यूमेरिकल वैल्यू को इंडिकेट करने के लिए कलर कोड यूज किया जाता है। तो ये कलर कोड क्या चीज़ है, इट इज़ एक्चुअली अ बैंड ऑफ डिफरेंट कलर जो कि किसी भी कंडक्टर की बॉडी के ऊपर प्रिंटेड होता है। कलर कोड ज़्यादातर हमारे पास फोर बैंड पर मुश्तमिल होता है। इसमें जो हमारे पास फर्स्ट बैंड है, जैसे कि यहाँ डायग्राम में भी नज़र आ रहा है, फर्स्ट बैंड फर्स्ट डिजिट को इंडिकेट करेगा, सेकेंड बैंड सेकेंड डिजिट को इंडिकेट करता है, थर्ड बैंड जो है वो नंबर ऑफ जीरोस को रिप्रेजेंट करता है, जबकि ये फोर्थ बैंड है ये टॉलरेंस को शो करता है, और ये फोर्थ बैंड गोल्ड का भी हो सकता है और सिल्वर के लिए, सिल्वर का भी हो सकता है। गोल्ड के लिए टॉलरेंस जो होगी 5% होगी और सिल्वर के लिए टॉलरेंस 10% होगी, और अगर ये फोर्थ बैंड मौजूद ना हो तो जो टॉलरेंस होगी वो 20% प्लस माइनस 20% है। कलर कोड के लिए एक टेबल यूज किया जाता है जो कि 0 से स्टार्ट होता है और 9 नंबर तक रन करता है, और ये डिफरेंट कलर के लिए डिफरेंट वैल्यूज हैं जो कि इस टेबल में गिवन है। यहाँ पे इस एक रेजिस्टर है जिसका पहला बैंड जो है वो रेड कलर है, और रेड हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये यहाँ पे इसके सामने वैल्यू 2 है। वायलेट सेकेंड बैंड है, और वायलेट के सामने हम वैल्यू देखते हैं कि ये 7 है, इसलिए हम यहाँ पे 7 लिख देते हैं। और जो थर्ड बैंड है ये ऑरेंज कलर में है, और इस ऑरेंज के सामने जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 3 है, तो हम यहाँ पे 3 लिखने के बजाय 3 0 नंबर ऑफ जीरो 3 लिखेंगे, और सिल्वर बैंड है एंड पे, तो इसकी जो टॉलरेंस होगी वो ±10% लिख देंगे। तो हम यहाँ से रेजिस्टेंस की न्यूमेरिकल वैल्यू लिख सकते हैं, R विल बी इक्वल टू फर्स्ट बैंड की वजह से 2, सेकंड 7 27, और जो ये थर्ड बैंड है 0 तो 30 लिख देंगे, तो 27,000 ओम विद द टॉलरेंस ऑफ ±10%। जैसा कि हमने देखा कि गोल्ड के लिए टॉलरेंस ±5% होती है, सिल्वर के लिए टॉलरेंस ±10% होती है, और अगर फोर्थ बैंड मौजूद ना हो तो उसके लिए टॉलरेंस ±20% होती है।
इसके लिए सबसे पहले हम टॉलरेंस को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज द टॉलरेंस? इट इज द पॉसिबल वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम द मॉक्ड वैल्यू। अगर एक एक्चुअल वैल्यू है उससे जो वैल्यू रेजिस्टेंस की इंक्रीज प्लस या डिक्रीज माइनस हो सकती है उसको हम टॉलरेंस कहते हैं। रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर से जो पॉसिबल क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे गिवन है। शॉर्ट क्वेश्चन में व्हाट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, गिव टू सब्सटेंसेस हैविंग नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, डिफाइन टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। एंड वन लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चन दैट इज व्हाट इज रेजिस्टिविटी एंड एक्सप्लेन इट्स डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर, ऑल्सो ड्राइव expression for the resistivity and it is very important question.